सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो गाइस सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने जा रहे हैं एक बबल मशीन। जी हाँ गाइस, और गाइस ये जो बबल मशीन है गाइस ये गाइस बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और गाइस बहुत ज्यादा आसान तरीके से बन जाती है, और गाइस काफी ज्यादा बड़े बड़े बबल्स को निकालती है। तो गाइस बहुत ज्यादा आसान प्रोजेक्ट होने वाला है, और गाइस काफी ज्यादा मजेदार है। तो चलो यार देरी क्यों करते हैं, आप बस इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो यार फटाफट से इस वाली बबल मशीन को बनाते हैं। तो गाइस हमारे इस वाले बबल मशीन को बनाने के लिए गाइस मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का बेस लिया है, जैसा कि आप देख रहे हो। देन गाइस यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एकदम छोटा सा ये कंटेनर, जिसके अंदर हम यहाँ पे लिक्विड भरेंगे, ठीक है। और गाइस एकदम छोटा सा है जैसा कि आप देख रहे हो, और गाइस ये प्लास्टिक का है, ठीक है। आपको गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको इसे चिपका देना, तो चलो इसको मैं चिपका लेता हूँ। तो गाइस इतना सब करने के बाद ना आपको गाइस लेना ये एकदम छोटा सा बेस जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। और गाइस आपको सिंपली यहाँ पे इसे आपको इसे चिपका देना है, तो चलो इसको भी मैं चिपका लेता हूँ। तो गाइस इसको चिपकाने के बाद मैंने यहाँ पे लिया ये सीढ़ी जैसा कि आप देख रहे हो, और गाइस इसके अंदर मैंने कई सारे छेद किए हुए हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो। और गाइस आपको सिंपली ना ऐसा ही आपको इसे बना लेना है, ठीक है। देन गाइस यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये गियर मोटर जैसा कि आप देख रहे हो, और गाइस अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी टाइप का मोटर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। पर गाइस उसका जो स्पीड है वो गाइस आपको इसे स्लो रखना होगा, ठीक है। तो गाइस ये जो मोटर है ना, और गाइस ये जो सीढ़ी है आपको सिंपली इसे चिपका देना है, और गाइस यहाँ पे इसके ऊपर आपको इसे लगा देना है, ठीक है। तो चलो मैं इसको भी लगा लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम अच्छी तरीके से मैंने इसको चिपका दिया है, ठीक है। और गाइस एकदम परफेक्टली एकदम अच्छी तरीके से एक जगह पे ये लग चुका है, ठीक है। देन गाइस यहाँ पे आपको एक मोटर लेना है, और गाइस यहाँ पे आपको एक प्रोपेलर लेना है, और गाइस ये जो प्रोपेलर है ना गाइस आपको इसे इंसर्ट कर देना है, ठीक है, इस मोटर के अंदर। देन गाइस यहाँ पे मैंने एक रोलिंग पाइप लिया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हो, और गाइस इसका जो लेंथ है ना गाइस वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैंने इसे पेपर को फोल्ड करके इसको बनाया है, ठीक है। गाइस ये जो मोटर है ना गाइस, और गाइस ये पाइप है, आपको सिंपली इसके ऊपर ऐसे चिपका के आपको सिंपली इस बोर्ड के ऊपर चिपका देना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम अच्छी तरीके से ये सब एकदम अटैच हो चुके हैं, ठीक है। तो गाइस अब बारी है इसमें लिक्विड डालने की, और गाइस यहाँ पे कनेक्शन करने की, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो चलो इसके अंदर लिक्विड डालते हैं और इसे टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं, क्या ये गाइस बड़े बड़े बबल्स को निकाल पाता है कि नहीं। तो चलो इसे फटाफट से टेस्ट करते हैं। तो गाइस जैसे मैंने स्विच को ऑन किया तो गाइस यहाँ पे जो बबल्स है ना गाइस वो गाइस इकट्ठा होने लगा और आसमान में उड़ने लगा, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो। और गाइस यहाँ पे मैंने गलती करी थी, यहाँ पे मैंने मशीन को नीचे रख दिया था, मैंने इसको ऊपर नहीं रखा था, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो बबल्स यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और गाइस उड़ भी रहे हैं, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो यार, और कोई नहीं, अगली वीडियो में एकदम बेस्ट बनाएंगे, एकदम बेस्ट वाली बबल मशीन बनाएंगे। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय। अगर गाइस हम इसको हायर प्लेस पे रखते, ऊंची जगह पे रखते और तब इसको ऑन करते तो तब इसमें से काफी ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत बबल निकल के आते, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अगली वीडियो में हम इसका 2.0 वर्जन लॉन्च करेंगे इस बबल मशीन का, ठीक है। हाँ तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड डू लाइक और सब्सक्राइब।